वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि MCA ने अपना एक और जो अप्रूवल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों में इसको लेकर खुशी का माहौल जो है वो बना हुआ है। एंड आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर ये होने वाली है। तो MCA ने किस चीज़ को लेकर अपना अप्रूवल रिलीज़ किया है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एलन की एक बेस्ट टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको मिलेंगे 90+ क्वेश्चन सेट्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, और साथ ही साथ आपको 2017-18-19 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी है, और जो इंडिया की 10 चीपेस्ट टेस्ट सीरीज़ है उनमें से ये एक है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 499 में। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इस टेस्ट सीरीज़ को आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इसको मैंने खुद एनालाइज़ किया है, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। तो एक बार आप इसे परचेज करके अपने जो नीट के प्रिपरेशन है उसको गति ज़रूर दें, क्योंकि आपके नीट के प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज़ जितना महत्व रखती है उतना आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो टेस्ट सीरीज़ को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस टेस्ट सीरीज़ को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज की गुड न्यूज़ की। तो फ्रेंड्स, उरई की ये न्यूज़ है, क्या बोला गया है वो देख लेते हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज को MBBS अंतिम वर्ष की मान्यता मिल गई है। कई बार MCA की टीम ने निरीक्षण किया था पर मान्यता नहीं दी थी। 23 जनवरी को टीम ने निरीक्षण किया और मान्यता की संस्तुति कर दी। इसके बाद MCA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मान्यता दे दी। इसे लेकर खुशी का माहौल है, जिले के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, जबकि MBBS के पहले बैच की पढ़ाई 2013 में शुरू हुई थी। तब से MCA ने निरीक्षण कर दूसरे और तीसरे चरण की मान्यता तो दे दी थी, लेकिन चौथे चरण की मान्यता के लिए संस्था न होने पर अपनी मोहर नहीं लगाई थी। 23 जनवरी को MCA की टीम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था, जिसमें डायग्नोसिस सर्विस, किंचन, लाउड्री, छात्रों की शिक्षा प्रशिक्षण व्यवस्था, मरीजों की सुविधाओं समेत 14 प्रकार की सेवाओं को गहराई से जांच की थी। छात्रों, मरीजों, तीमारदारों और प्रधानाध्यापकों से कई बिंदुओं पर चर्चा की थी। इसके बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट MCA के महासचिव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप दी थी। 5 से MCA चौथे वर्ष की मान्यता प्रदान की गई। सोमवार को पत्रकारों से वार्ता में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर द्विजेंद्र नाथ ने बताया कि मान्यता मिलने के बाद यहां सुविधाएं बढ़ेगी और इसका लाभ छात्रों के साथ जिले के लोगों को भी मिलेगा। यह जिले के लिए उपलब्धि जैसा है, इसके लिए DM के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया। इस दौरान डॉक्टर मनोज वर्मा, डॉक्टर DS चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, डॉक्टर अनूप अवस्थी, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, डॉक्टर प्रशांत निरंजन, डॉक्टर PC पुरोहित और डॉक्टर अरुण आदि मौजूद रहे। प्राचार्य डॉक्टर नाथ ने कहा कि यहाँ से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद स्थानांतरण बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, हालांकि जहाँ जितनी जगह है कि कई डिपार्टमेंट स्थापित हो सकते हैं। जल्द ही प्लास्टिक सर्जरी समेत कई डिपार्टमेंट होंगे, जहाँ संसाधन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसका लाभ जिले के लोगों को भी मिलेगा। अब MD और MS की मान्यता की तैयारी। प्राचार्य डॉक्टर नाथ ने बताया कि अब उनका लक्ष्य MD MS की मान्यता लाने के है, यानी कि PG। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन स्तर से पत्राचार कर दिया गया है, जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है, ताकि टीम के आने पर किसी तरह की दिक्कत न हो और परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की मान्यता भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, उरई की ये न्यूज़ थी, और राजकीय मेडिकल कॉलेज को MBBS चौथे वर्ष की जो मान्यता है वो दे दी गई है, और इसका जो लाभ है वो वहाँ के लोगों और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको सीधा ही मिलेगा। एंड अब इनकी तैयारी है पोस्ट ग्रेजुएट को लेकर, तो उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन कब तक होता है वो देखने लायक बात होगी। तो ये आज का पूरा आर्टिकल था। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो आर्टिकल है वो आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नीट और अन्य ऑल इंडिया मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को मिलते रहे। और फ्रेंड्स, अगर टेस्ट सीरीज़ परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।